मिसिफू, मैं अभी इमरजेंसी बुलाती हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत करो मिसिफू, चिंता मत करो। बेचारा। ध्यान से, मैं ठीक नहीं हूँ। जल्दी करो टैडी। क्या बात है? अरे नहीं मिसिफू, मिसिफू मैं आ रही हूँ तुम्हें ठीक करने के लिए। डैडी, क्या मिसिफू के चेहरे का रंग बदलना सामान्य है? अरे नहीं, ये तो बुखार से जल रहा है। अब हम क्या करें, क्या करें? क्या आप जाकर ग्रैंडमा को बुलाएंगे? पक्का उनके पास कोई उपाय होगा। हाँ हाँ जरूर। चिंता मत करो बहन, डॉक्टर लिली आ गई है। भगवान का शुक्र है। ला 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 ला। देखो हम आ गए। और मैं अपनी सारी औषधि लाई हूँ। और मैं अपनी वफादार डॉल तुम्हारी सेवा के लिए। काश ये काम कर जाए। दादी जी, इसे क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि औषधि से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तबीयत बिगड़ रही है, बुखार बढ़ रहा है। दादी चिंता ना करें, बुखार पहले से ही था। चिंता मत करो, नर्स लिली जानती है कि बुखार कैसे उतारते हैं और मैं उनकी मदद करूंगा। चिंता मत करो लिली, बर्फ से फोड़ा दब जाएगा। ऐसा लगता है कि इसे ठंड लग रही है। इससे बुखार जल्दी कम हो जाएगा। मिसिफू, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम सूप लाया हूँ। अरे दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, ये तुम क्या कर रहे हो? हम इसका बुखार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इस तरह से बुखार कम नहीं किया जाता। टैटी टैटी, बड़ा जादुई कुआं टूट गया है, तुम्हें चलकर कुछ करना होगा। अच्छा, तभी जादू काम नहीं कर रहा। जादुई नगरी मुश्किल में है और इसी वजह से जादूगरों के सारे पेट्स मुश्किल में पड़ रहे हैं। पेरुनो, मेरा पेरुनो। चिंता मत करो दादी, हम अभी कुछ न कुछ करते हैं। चलो टैटी, समय नहीं गवा सकते। मेरी मदद करो, कोई फ्रिज को बंद करो और पेंगुइन को यहाँ से ले जाओ। ओ सुंदर राजकुमारी मुझे बचाने के लिए आई है। टैटी, ये सब बुखार का असर है। कुआं ठीक करने के बाद सब कुछ अपने आप सामान्य हो जाएगा और जादुई नगरी भी। चलो कुएं को ढूंढते हैं और साथ में मुसीबत का हल भी। मुझे अकेला मत छोड़ो। चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ आपका ध्यान रखने के लिए। लिली।
क्या तुम मेरे दोस्त पेंगुइन से मिली? वो देखो वो देखो चॉकलेट की बारिश। यिप्पी! वो रहा महान जादूगर का घर। हो कितना सुंदर है। चलो डैडी, हम समय नहीं गवा सकते। डैडी, हमें कुएं के नीचे के फिल्टर को साफ करना होगा। दादी, अच्छा होगा कि आप इसे साफ करें। मैं अभी अपने बाल बनवा कर आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो बिगड़ जाएं, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। तब तक मैं अपनी कुछ सेल्फी ले लेती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। हे, बहुत अच्छे डैडी, तुम कर सकती हो। तुम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तुमने कर दिया टैटी। चलो अब घर चलते हैं और मिसिफू और पेरुनो को ठीक करते हैं। मैं यहाँ रहकर देखती हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तुमने मुझे डरा दिया। मिसिफू, पेरुनो, तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लग रहा है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। किसने मुझे पेड़ पे चढ़ने के लिए मना किया था? मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों ने कहा था, मेरे पापा और मेरी दादी माँ ने कहा था कि तुम उतर नहीं पाओगे। लेकिन जैसे मैंने पेड़ देखा, मैं नहीं रुक पाया, नहीं रुक पाया, नहीं रुक पाया और मैं चढ़ गया। काश कोई मुझे यहाँ बचाने आ जाए। ला 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 बचा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरा हाथ पकड़कर मेरी जादुई झाड़ू पर बैठ जाना है। बस नीचे मत देखना। क्यों देखूं? अब मुझे देखना है, अब मुझे देखना है कि नीचे क्या है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, कोई आएगा और हमें बचा लेगा। तुम्हारे लिए मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बस एक दिन। ये तो कुछ भी नहीं, एक बार मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया, 7 दिन और 7 रातों तक। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं इतना देर तक नहीं रह पाऊंगी। मैं भी। हाँ ये देखो, मैं तीनों एक साथ खा जाता हूँ। बहुत अच्छे, लेकिन ये एक ट्रैप था पेरुनो और तुम उसमें फंस गए। अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वाह मिसिफू, कितना कूल है। मैं तो अपने भाइयों को मिलने के लिए जा रहा था, जैसे ही मैंने ये पेड़ देखा तो मुझसे रुका नहीं गया। और मैंने खुद से कहा, मैं
एलिनो, पेड़ पर मत चढ़ना, तुम्हें नहीं पता कि उतरते कैसे हैं। और तुमने क्या किया? मैं ऊपर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाया। तुम कितने मजाकिया हो मेलिनो। देखो टैटी, तुम्हारी जादुई झाड़ू वापस आ गई। हाँ मेलिनो, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे भाई। मेलिनो तुम्हारा भाई? चलो दोस्तों, मैं तुम्हें यहाँ से उतार देता हूँ और फिर हम चाय और बिस्किट की पार्टी करेंगे मिलने की खुशी में। मेलिनो, लिली, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अरे नहीं दोस्तों, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन उसे हुआ क्या है? लगता है मेलिनो ने दूसरा बड़ा पेड़ देख लिया। अब हम क्या करें? मेरे भाई को पेड़ से उतारना होगा। तुम मेलिनो को नीचे उतारो, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। हाँ, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, इसे यहाँ पर। और ये मेलिनो के लिए। माफ करना दोस्तों, मुझे पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ मेलिनो, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। ये देखो औषधि। सच कहूँ तो मैंने सभी के लिए एक एक औषधि बनाई है। चलो अब पेड़ पे चढ़ते हैं। हम नीचे कैसे उतरेंगे मिस्टर मॉर्निंग? ये बैकपैक्स एक पैराशूट है, जैसे ही तुम जंप करोगे तुम्हें बटन दबाना है और एक बड़ा पैराशूट खुल जाएगा। समझ गए मेलिनो? और इस तरह से अब तुम जहाँ चाहो, जब चाहो, किसी भी पेड़ पर चढ़ उतर सकते हो।